नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। राइट, IBPS RRB क्लर्क का जो एग्जाम्स था 8 अगस्त आज की डेट में जो अभी एग्जाम्स हुआ है, आशा करता हूँ बहुत अच्छा आपका एग्जाम्स गया होगा। ओके, सबसे पहले अपन इस वीडियो में बात करेंगे एक पूरा सटीक एनालिसिस, एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जा रहा है, किस लेवल पे पूछा जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट के माध्यम से पता चले हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपका एग्जाम्स था तो सबसे पहले तो अपने अटेम्प्ट एक्यूरेसी और कौन सी कैटेगरी है, कौन सा आपका स्टेट है, तीनों चारों चीजें आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आपका एग्जाम्स कैसा लगा, आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा, कितने आपके अटेम्प्ट हुए हैं, राइट, कोई प्रॉब्लम्स हुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, राइट, ताकि जो रिमेनिंग शिफ्ट में जिनका एग्जाम्स है, राइट, जिनका 14th को एग्जाम्स है, उनको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू, पूरा का पूरा एनालिसिस मिल सके ताकि वह भी प्रिपेयर रह सके। ओके, तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस याद हो, मिसिंग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस हो, किसी भी तरह का क्वेश्चंस याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले पूरा एनालिसिस देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन पे प्रेस करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अदर स्टूडेंट के साथ ताकि वहां तक पहुंचे। एंड चैनल्स पे फर्स्ट टाइम है तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस मिलेगा। ओके, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, विदाउट कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते, जिनका एग्जाम से पहले देख लीजिए, पहले पजल पूछी गई थी रीजनिंग में, राइट, रीजनिंग का सब्जेक्ट है, 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, राइट, पहले आपकी पजल, राइट, पजल के बारे में बता देता हूँ, चार प्रकार की पजल पूछी गई थी, एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्स में क्या क्या पूछा गया था वो एग्जैक्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप सभी अगर एग्री करते हो कि हाँ सर यही पूछा गया था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि जिनका एग्जाम्स है एक वह कॉन्फिडेंस हो, मोटिवेशंस उनके अंदर आ सके, राइट। पहली पजल पूछी गई थी फ्लोर बेस पर, एक पजल आपकी पूछी गई थी जिसमें 7 फ्लोर थे, ए टू एफ तक आपको वेरिएबल दे रखे थे, राइट, ए टू एफ तक पूरे के पूरे वेरिएबल्स थे, उनको 7th फ्लोर में अरेंज करना था, बिल्कुल इजी, एकदम वन लाइनर में, राइट, स्टूडेंट जिससे मेरी बात हुई है 1.5 मिनट्स में, राइट, मैक्सिमम 1 मिनट मान लीजिए, पूरा क्वेश्चन इसने बना दिया था, राइट। तो फ्लोर बेस्ड पजल्स बिल्कुल इजी, 7th फ्लोर A to Z तक वेरिएबल थे। अगर आपने यही क्वेश्चंस देखा होगा अपने शिफ्ट में तो जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। सेकंड पजल पूछी गई थी सर्कल बेस पर, राइट, सर्कल बेस पर थे, 8 पर्सन थे जिनको अरेंज करना था, ये सर्कल बेस पर पूरी की पूरी पजल, 8 पर्सन थे, राइट, 8 पर्सन को अरेंज करना था, 8 पर्सन P से लगाकर, P Q R S T U V और ये W, राइट, ये टोटल्स 8 पर्सन्स थे, इनको सर्कल में इनसाइड फेसिंग था, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटीज, ये एक आउटसाइड है, चार आउटसाइड देख रहे हैं, चार इनसाइड देख रहे हैं, कुछ इस टाइप का कुछ भी नहीं दे रखा था, केवल सीधी पजल थी, बिल्कुल इजीली यह भी बन रही थी। ओके, तो 8 पर्सन्स इसमें थे, P से लगाकर W तक वेरिएबल दे रखे थे, यह भी मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। ओके, फिर एक पूछी गई थी बॉक्स बेस पर पजल, राइट, केवल टोटल 7 बॉक्सेस थे, राइट, टोटल 7 बॉक्स को अरेंज करना था, ये उसका ऑर्डर आया था, स्टूडेंट ने बताया कि सर ये ऑर्डर मेरे मिला था, राइट, E B D F G C A G A C, ये इस टाइप से है, यानी कि जो आपके 7 बॉक्स है ना, पहला ये आपका 7th नंबर, 6th नंबर, 5th नंबर, 4th नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, राइट, तो ये आपका E यहाँ से स्टार्ट है, बाकी B, राइट, D F G A C, ये इस टाइप के पूरी पजल्स अरेंज हुई थी बॉक्स वाले। अगर आपके भी यही आंसर आया होगा, हो सकता है उसका गलत हो, आपके डिफरेंट आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, बट 7 बॉक्स अरेंज करने थे। ओके,
नेक्स्ट थी एक अनसर्टेन पजल थी जिसमें पर्टिकुलर यानी कि अनिश्चित संख्या में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक अनसर्टेन पजल्स है, कुछ ऐसे लोग जो बैठे हैं राइट। 19 पीपल्स उसके आ रहे थे यानी कि 19% राइट, 19 लोग बैठे थे पूरे के पूरे में। आपका अगर 19 आया है तो बिल्कुल करेक्ट है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा कि सर हाँ यही चारों पजल इसी वेरिएबल के साथ पूछी गई थी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस लिख के जरूर टाइप करिएगा। चारों की चारों पजल्स डुएबल थी, बिल्कुल केयरफुली होकर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 मार्क्स आपके विद इन 5 मिनट्स में आप कवर कर सकते थे। ओके, विद इन 5 मिनट्स में 20 मार्क्स आपके डेफिनेटली बन जाते थे। फिर बात करते हैं अपन, फिर आपके सिलॉक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे राइट, 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, 5 क्वेश्चंस राइट, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें स्टूडेंट ने मेरे को कहा था कि सर 2 में ऐसा क्वेश्चंस आ रहा था कि सर आइदर और का केस बन रहा था 2 क्वेश्चंस में। तीन क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी थे और ओनली अ फ्यू वाला कॉन्सेप्ट दे रखा था, ओनली अ फ्यू शम नोट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईजी तरीके से दे रखा था। सिलॉक्स में ध्यान रखिएगा, अपकमिंग जिनका भी एग्जाम्स है केयरफुली होके थोड़ा सा फटाफट में मत करिएगा, स्पीडली बिल्कुल केयरफुली होके आंसर अच्छे से पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, ताकि आपको लगेगा कि क्वेश्चन यह सही है बट वहां पर जब रिजल्ट्स आता है ना तो रिजल्ट सारा का सारा कम आ जाता है। ओके, बिल्कुल केयरफुली होके आंसर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप करें उसको करेक्ट करें। ओके, नेक्स्ट इनइक्वालिटी, बिल्कुल इजी वन लाइनर बेस्ड इनइक्वालिटी। एक दो तीन मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक तो ब्रोवाइन वर्ड्स दे रखा था जिसको आपको एक तरह से बताना था कि जो अरेंज करते हैं ना एसएससी में पैटर्न में क्वेश्चंस आता होगा, आई होप आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो एसएससी में टाइप का क्वेश्चंस आता है, इससे ये वर्ड बना इससे ये वर्ड बना तो ब्रोवाइन से कौन सा वर्ड बनेगा राइट। एक डिजिट पेयर दे रखा था 3 to 9 तक, उनमें कौन कौन से एक जगह अपनी जगह पर स्थित है वह था। डायरेक्शन स्पेस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था राइट, आई थिंक जैसा स्टूडेंट ने बताया एम एफ के रेफरेंस में ए का कुछ पूछा गया था, मेरे को इतना पूरा कंफर्म नहीं है बट क्वेश्चंस यह पूछे गए थे। ओके, ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चंस भी था, आपकी अल्फा न्यूमेरिक है, 5 क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा टाइप। देखिए अब कौन कौन से हलवा हैं यहाँ पर, ये आपके 20 क्वेश्चंस बिल्कुल केयरफुली होके सॉल्व करोगे तो 20 क्वेश्चंस यहाँ से राइट, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगर सिलॉक्स में एक क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो 4 यहाँ पर मान लीजिए, 20 + 9 दैट इज द 29, इतने नंबर। और आपकी 5 क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक तो 5 इसके मान लीजिए 34, 34 तो एकदम एग्जैक्ट आपके सही होने ही चाहिए। ओके, ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चंस था, यहाँ से क्वेश्चंस आपने ये पेयर वाला भी सही किया होगा तो 35 अपन मान के चलते हैं एवरेज, 35 ± हो सकता है, एवरेज 35 है, आपने अटेम्प्ट किए होंगे विथ 100% एक्यूरेसी। ओके, और जो भी जिनका भी शिफ्ट अभी है या 14th को एग्जाम्स है उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लास्ट ईयर की कट ऑफ पे फोकस मत करिएगा, अभी जो आपको आता है एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, एक भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये पूरा का रीजनिंग का पूरा एनालिसिस था। इसमें से आपको लगता है आपने एग्जाम्स दिया है कि सर ये चीज भी पूछी गई थी आपने नहीं बताई थी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, अब बात करते हैं ओवरऑल गुड अटेम्प्ट भी मैंने यहाँ पर शेयर कर दी रीजनिंग में, अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं अच्छे अटेम्प्ट है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की राइट, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस की। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे 10 से 15, 10 अप्रोक्स 10 या 15 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिले थे। थोड़ा सा ध्यान रखिए यहाँ पर पॉइंट बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो पॉइंट पे अपनी कमांड बना लीजिएगा जिनका भी एग्जाम्स अभी पेंडिंग है। ओके, पॉइंट बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, क्वेश्चन मेरे पास जैसे ही आएंगे मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। ओके, डीआई के 2 DI सेट थे, एक बार ग्राफ दे रखा था एक टेबल्स फॉर्मेट में, बिल्कुल इजी, केवल डेटा उठाना था और आपको आंसर देना था, बस बिल्कुल इजी था डीआई राइट, कैसलेट नहीं था क्वेश्चंस, मिसिंग नंबर्स रिच
दो तीन क्वेश्चंस तो मेरे को एकदम डिटो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है वह मिले हैं, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। ओके, और बाकी के ओवरऑल अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे, राइट। लगभग 12 या 13 क्वेश्चंस अर्थमेटिक के हो गए, 2 DI सेट हो गई आपकी, 10 क्वेश्चंस, 23 क्वेश्चंस, एंड देन मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस हो गए, राइट। 5 क्वेश्चंस मिसिंग नंबर सीरीज के, बाकी ओवरऑल्स 23 और 5 28 28 और 12 से 13 क्वेश्चंस आपकी सिंप्लीफिकेशंस हो गए। बिल्कुल ऐसा ही पेपर पूछा गया था, राइट। इसमें अगर बात करें तो अर्थमेटिक को छोड़ दें, 12 13 लगभग 28 28 से 30 नंबर तो यहाँ से कवर होने ही चाहिए, राइट। अगर अर्थमेटिक में एक दो क्वेश्चंस भी आप बनाते हैं तो अपन मान के चलते हैं क्वांट में पर्टिकुलर 31st अटेम्प्ट एक गुड अटेम्प्ट है। 30+ अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, 31+ अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो दैट इज द गुड अटेम्प्ट, ओके। बट ओवरऑल्स भी मैं बात कर लेता हूँ, राइट। रीजनिंग में अगर आपने 35+ अटेम्प्ट किए हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, 35+ रीजनिंग में और 31+ मैथ में, राइट। अगर आपने इन दोनों मिला के इतने अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैथ में थोड़े से अर्थमेटिक थे ना स्टूडेंट के सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, ओके। तो यहाँ पर करीबन करीबन अगर बात करें, राइट, तो 60 से 70 आपका अगर अटेम्प्ट है तो अच्छा अटेम्प्ट है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे जो उड़ीसा से होंगे ना, कमेंट करेंगे सर हमारे तो लास्ट टाइम 79 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गई थी। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो राजस्थान से, मेरे प्यारे राजस्थान से बिलोंग करते हैं, वो कमेंट करेंगे सर लास्ट ईयर तो 76 कट ऑफ गई थी, तो आप एज कैसे बात कर रहे हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर की वैकेंसीज पे डिपेंड करता है वैकेंसीज कैसी है, डिपेंड करता है ओवरऑल शिफ्ट कैसा जाएगा, राइट। तो अच्छे अटेम्प्ट हैं, 100% एक्यूरेसी रखी है ना आपने, तो गारंटी है आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। 70 67 to 72 मान के चलिए, 100% एक्यूरेसी, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ओके। अपकमिंग शिफ्ट में जिनका एग्जाम्स है, एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, प्लीज अपनी एक्यूरेसी को मत तोड़िएगा, ओके। एनी सिंगल क्वेश्चंस, एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए जो आपने तुक्के मार दिया हो, राइट। यहाँ पर आके कहेंगे सर 98% एक्यूरेसी है, सर 95% एक्यूरेसी, एक क्वेश्चंस गलत हो सकता है, राइट। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट। एक एक नंबर 0.25 नंबर की रेश है, 0.25 का नंबर का कॉम्पिटिशन है, ओके। जितना आता है 100% एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम 100% करेक्ट होना चाहिए, ओके। अब जिनका एग्जाम्स है, ये क्वेश्चंस देख लीजिए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने मिसिंग नंबर सीरीज बिल्कुल हलवा टाइप है, 3 क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं। आपको भी कोई क्वेश्चंस याद है किसी भी तरह का तो कमेंट कर दीजिएगा, और यह क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, राइट, सेम डिट्टो क्वेश्चंस तो भी कमेंट कर दीजिएगा, ओके। ये मिसिंग नंबर सीरीज है, बिल्कुल इजी है, विदाउट पेन एंड पेपर के क्वेश्चंस थे, ओके। अब जिनका एग्जाम्स है, बिल्कुल एग्जाम्स में जो ओरिएंटेड एक पेपर मैंने अपलोड किया था, अगर आपका एग्जाम्स 14 को है तो एक मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर मैंने अपलोड किया था, राइट। बहुत तगड़ा पेपर था, उसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने एग्जाम से पहले, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ओके। प्लीज इस चीज को सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत अच्छा पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। बहुत हेल्प करेगा। कहाँ से करना है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, सर हमको पेपर चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल्स अवेलेबल है, वहां से भी आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे टेलीग्राम चैनल्स का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो एंड अप करते हैं वीडियो को, समाप्त करने से पहले प्लीज अपने अटेम्प्टेड आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कौन सी कैटेगरी है, स्टेट कौन सा है, सब चीजें जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन याद हो तो शेयर करके अदर स्टूडेंट की आप हेल्प भी कर सकते हैं, ओके। राइट, तो लाइक करिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगा, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहे, एनालिसिस भी आपको मिलता रहेगा। थैंक
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एंड बेस्ट ऑफ लक जिनका भी अभी एग्जाम्स पेंडिंग है, उन सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं।